जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हमारा मतलब है वो पापा से फिर से अटैच हो गई तो सवाल ही नहीं उठता दी। पहली बात तो हमारी मम्मी एक बहुत अच्छी इंसान है, जो कुछ भी कर रही है इंसानियत के नाते कर रही है। और दूसरी बात, मम्मी कभी नहीं भूल सकती कि पापा क्या आपके पापा ने मम्मी के साथ क्या किया। हमारे पापा और तुम्हारे ऋषभ, तो तुम भी उन्हें पापा बोल चुकी हो, तुमसे भी उनकी हालत देखी नहीं गई थी ना, तो फिर तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि वो हमारे पापा हैं? नहीं कर सकती। वो हमेशा मेरे लिए अक्षय सिंह ही रहेंगे। हाँ, उस हाल में देखकर मेरे मुंह से निकल गया पापा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। और रही बात मम्मी की, चाहे मम्मी को मजबूरी में 20 साल आगे जाना पड़े या 20 साल पीछे जाना पड़े, वो उस आदमी को कभी माफ नहीं करेगी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग, याद नहीं है मनीष? पिछले महीने मिलवाया था ना मैंने मनीष से आपको, वो मेरा दोस्त, वो बिजनेस के लिए कुछ ऑफर्स लेकर आ रहे हो। हाँ, याद आया। वो कहाँ है? मैम आपको डॉक्टर ने बुलाया है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ये रुको। अरे डॉक्टर बुला रहे हैं ना, हमको जाना है, आपका डिस्चार्ज करना है तो नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, तुम यही रुको मेरे पास। अक्षय की याददाश्त वापस आने तक ये छोटी छोटी खुशियां ही सी जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी हमारी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मैडम, अम्मा ने बनने के ऊपर के था, अभी 3 साल की हो गई है, शादी को इतने साल हो गए, फिर भी तुम इतना ऑकवर्ड फील कर रही हो। आप आराम कर लीजिए, हम तब तक सारा सामान समेट लेते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।